हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सेशन काफी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि हम लोग आज टाइम एंड वर्क पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए एंड बी टूगेदर कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन टी डेज, यानी ए और बी है जो एक काम को करते हैं कितना दिन में, टी डेज में। इफ ए एलोन कम्प्लीट द वर्क इन टी प्लस थ्री डेज एंड बी एलोन कम्प्लीट द पीस ऑफ वर्क इन टी प्लस ट्वेल्व डेज, व्हाट इज टी, पूछ रहा है टी का वैल्यू। दिया हुआ क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को पूरा करते हैं कितना दिन में, तो टी डेज में। और ए है जो उसी काम को कितना दिन में पूरा करता है, तो टी प्लस थ्री डेज में। और बी है जो उसी काम को टी प्लस ट्वेल्व डेज में पूरा करते हैं, टी प्लस ट्वेल्व डेज में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता रखा है जब भी इस तरह का पैटर्न बने, ए प्लस बी का डेज दिया है, ए है जो जितना डेज है उससे तीन ज्यादा दिया हुआ है, बी है जो टी प्लस ट्वेल्व डेज है, यानी इस तरह का जब भी पैटर्न बने, टी की जगह एक्स भी रह सकता था, तो एक्स प्लस थ्री हो जाता, एक्स प्लस ट्वेल्व हो जाता, जब भी इस तरह का पैटर्न बने तो ये हमारा मोड कंसेप्ट होता है। इस पे होता है तो मोड कंसेप्ट पे ये हमारा क्वेश्चन है। मोड कंसेप्ट कैसे पहचानिएगा, तो जब भी इस तरह का पैटर्न बने ए प्लस बी टी, ए टी प्लस थ्री तो तीन ज्यादा है, बी टी प्लस ट्वेल्व यानी ट्वेल्व ज्यादा है, तो हमारा ए प्लस बी टूगेदर, ए प्लस बी टूगेदर मिलकर जो काम करेंगे यानी टी डेज में, वो निकलेगा कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर मोड वन इंटू मोड टू, मोड वन इंटू मोड टू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी जितना टाइम ले रहे हैं टी टाइम ले रहे हैं, तो टी का वैल्यू निकल जाएगा। तो मोड वन कितना हमारा है, तो मोड वन थ्री हुआ, कितना हो गया तीन ज्यादा है तो थ्री, और मोड टू कितना ट्वेल्व ज्यादा है तो ट्वेल्व इंटू थ्री कितना जाएगा थर्टी सिक्स, कितना मान आ गया, तो टी का वैल्यू कितना आ गया रूट अंडर थर्टी सिक्स, तो कितना स्क्वायर रूट थर्टी सिक्स का कितना हो जाएगा छह हो जाएगा, यानी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा छह हो जाएगा। और ए प्लस बी यदि पूछे ए प्लस बी टूगेदर कितना दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, तो टी दिन में, तो इसका वैल्यू कितना होगा सिक्स डेज आंसर होगा, कितना होगा सिक्स डेज आंसर, यानी ए प्लस बी का भी कितना आ गया छह हमारा आ गया छह वैल्यू, और ए प्लस बी का डेज कितना आ गया छह दिन हमारा डेज आ गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोर कंसेप्ट क्वेश्चन है। इसी में फ्रेंड्स दिक्कत होती है कि ये समझते नहीं है, किसी को ये मालूम रहता नहीं है कि ये कब मोर कंसेप्ट अपनाएंगे, मोर कंसेप्ट का ट्रिक कब अपनाएंगे, ये विद्यार्थी को पता नहीं होता है। तो कैसे पता कीजिएगा, जब भी इस तरह का पैटर्न बने ए प्लस बी का डेज, ए है तो कितना डेज है उसे कितना ज्यादा है, टी से कितना ज्यादा है तीन ज्यादा है, और बी है कितना ज्यादा है बारह ज्यादा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, स्क्वायर ले लेना है मोड वन इंटू मोड टू करके, तो हमारा जो ए प्लस बी कितना दिन ले रहे हैं वो आ जाएगा, तो कितना आ गया हमारा छह दिन आंसर, छह डेज आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स, अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 25 मैन एंड 10 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 6 डेज एज मच एज वर्क इन 21 मैन टू 30 बॉय कैन डू इट इन 5 डेज, यानी 25 आदमी है और 10 लड़के हैं जो जितना काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 21 आदमी और 30 लड़के हैं जो 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं, हाउ मेनी बॉयज मस्ट हेल्प 40 मैन टू डू द सेम वर्क इन 4 डेज, तो पूछ रहा है कितने लड़के की आवश्यकता होंगे टू हेल्प 40 मैन, 40 आदमी की सहायता के लिए कितने लड़के की आवश्यकता होगी, और काम कितना दिन समाप्त हो रहा है, तो 4 दिन में काम समाप्त हो रहा है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो 25 आदमी है, जो 25 आदमी है 25 मैन है, 25 आदमी एम क्या हो गया इफिशियंसी हो गया मैन का 25 एम, और 10 बॉय 10 बॉय, 10 क्या हो गया नंबर ऑफ बॉयज हो गया, अभी क्या हो गया इफिशियंसी है बॉयज का, कितना दिन लेते हैं, तो कितना दिन लेते हैं
6 दिन रहते हैं और इसी काम को 21 आदमी यानी 21 मैन, एम क्या हो गया नंबर ऑफ, एम क्या हो गया 21 क्या हो गया नंबर ऑफ मैन हो गया और एम क्या इफिशियंसी हो गया प्लस मैन कितना, तो 30 बॉय नंबर ऑफ बॉय कितना 30 हो गया, बी क्या हो गया इफिशियंसी हो गया, कितना दिन लेते हैं तो लेते हैं आपको 5 दिन, तो इंटू 5 हम लोग सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन तो क्या आ जाएगा मैन और बॉयज का एफिशिएंसी आ जाएगा, कार्य क्षमता आ जाएगा, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा 150 प्लस में 60 इक्वल टू 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा 105 प्लस में 150 तो हम लोग सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 150 105 कितना हो जाएगा 45 और यहाँ कितना हो जाएगा 150 और 60 तो माइनस हो जाएगा 150 में से कितना 60 माइनस कितना 90 तो हमारा एम रेशियो बी कितना आ गया तो 45/2 कटा यानी एम कितना आ गया 2 आ गया और बी कितना आ गया 1 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे तो वैल्यू को किसी एक इक्वेशन को चूज करेंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। तो आइए हम लोग टोटल वर्क निकाल देते हैं, तो टोटल वर्क तो कितना हो जाएगा 150 25 एम है तो एम का वैल्यू कितना है 2 है तो 25 × 2 कितना हो जाएगा 50 तो 50 हो गया प्लस में 10 बी का कितना वैल्यू है तो 1 है प्लस में 10 × 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और कितना को मल्टीप्लाई करना है 6 से तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 10 कितना 60 16 × 6 कितना 360 × 60 हमारा टोटल में कितना आ गया 360। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है तो क्वेश्चन में निकालना है हाउ मेनी बॉयज मस्ट हेल्प 40 मैन यानी बॉयज की संख्या चाहिए और किसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम लोग मान लेते हैं लेट बॉयज इक्वल टू एक्स क्या मानते हैं तो बॉयज की संख्या क्या मानते हैं एक्स मानते हैं ठीक है फ्रेंड क्या माने हम लोग बॉयज की संख्या एक्स माने तो क्या बोल रहा है हाउ मेनी बॉयज मस्ट हेल्प 40 मैन यानी 40 आदमी को 40 नंबर ऑफ मैन कितना 40 है एम क्या हो गया इफिशियंसी हो गया और एक्स क्या हो गया नंबर ऑफ बॉयज हो गया और बी क्या हो गया इफिशियंसी हो गया बॉयज का कितना बॉयज सहायता करेंगे कितना दिन काम को पूरा करने में 4 दिन में इंटू डे कितना 4 और बराबर कितना वर्क तो निकाले टोटल वर्क कितना है 360 तो 360 हम लोग सॉल्व करते हैं एम का वैल्यू कितना हो गया तो एम का वैल्यू 2 है यानी 80 हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 × 2 एम का वैल्यू कितना है 2 है तो 40 × 2 कितना 80 और बी का वैल्यू कितना है तो बी का वैल्यू है 1 है तो एक्स इंटू 1 तो एक्स 4 बराबर 360 अब कितना हो जाएगा 80 × 4 320 प्लस में 4x बराबर 360 तो 4x का वैल्यू कितना हो गया तो 4x का वैल्यू 360 − 320 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा तो 4x का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया 4x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स तो 40 आ गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 यानी बॉय की संख्या कितना आ गया बॉय का संख्या को माने क्या माने थे x माने थे तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया यानी बॉय का संख्या कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड उससे पहले हम लोग इंक भर लेते हैं फ्रेंड्स अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन एंड अ बॉय रिसीव रुपीज 800 एज वेजेस फॉर 5 डेज यानी 5 दिन के लिए एक मैन और एक बॉय काम करते हैं तो कितना रुपया मिलता है 800 रुपया मिलता है। द मैन इफिशियंसी इज ट्वाइस ऑफ द बॉय और मैन का जो कार्य क्षमता है वो कितना दुगना है बॉय से। व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ द बॉय तो पूछ रहा है कि बॉय है जो प्रत्येक दिन कितना रुपया कमाता है। तो आइए फ्रेंड पीछे क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग वेजेस क्वेश्चन को देखते हैं। तो द मैन एंड अ बॉय रिसीव रुपीज 800 वेजेस फॉर 5 डेज यानी मैन और बॉय क्या है मैन है एम मैन और बॉय हो गया ठीक है। कार्य क्षमता दिया हुआ कितना इफिशियंसी दिया हुआ 2:1 यानी मैन है जो 2 काम करता है एक दिन में और बॉय है जो 1 काम करता है एक दिन में ठीक है।
तो कितना दिन काम कर रहे हैं दोनों मिलकर? दोनों मिलकर 5 दिन काम कर रहे हैं। यानी मैन और बॉय अगर वर्क निकाला जाए तो वर्क कितना कर रहे हैं? तो मैन 5 दिन काम कर रहा है, मैन रेट में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 10 काम। तो मैन 10 काम किया और बॉय 1 दिन में 1 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 काम। यानी मैन है जो 10 काम कर रहा है और बॉय है जो 5 काम किया। और रुपया कितना है? तो 800 रुपया, 800 रुपया कमाता है। यानी 15 वर्ष का दाम, 15 वर्ष का दाम कितना है? 800 रुपया है, 800 रुपया है। तो 1 वर्ष का दाम कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष का दाम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 15 वर्ष का दाम है कितना है? 15 वर्ष का दाम 800 रुपया है। तो 1 वर्ष का दाम कितना हो जाएगा? 800 बटा 15, 800 बटा 15। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बॉय है जो प्रतिदिन कितना रुपया कमाता है, डेली वेज पूछ रहा है। तो बॉय है जो कितना कितना दिन कितना कमाता है? 5 वर्ष करता है ना, 5 वर्ष करता है। तो बॉय अगर करें 5 वर्ष निकाल लें बॉय का, तो बॉय का कितना वर्ष हो जाएगा? 800 × 15 × 5, ठीक है फ्रेंड। यानी बॉय है कितना रुपया कमा लेता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डेली कितना कमाता है, तो 5 दिन में इतना कमा रहा है, कितना कमा रहा है? 800 × 15 × 5, इतना कमा रहा है 5 दिन में। तो 5 दिन में कितना कमाएगा? तो डिवाइड कर देंगे 5 से। क्या कर देंगे? बॉय है जो 5 वर्किंग किया है, तो 5 वर्किंग में कितना रुपया कमा लिया, कितना तक कमा लिया? इतना रुपया कमा लिया। लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बॉय प्रतिदिन कितना रुपया कमाता है, तो बॉय है जो 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में काम किया कितना रुपया कमाया? यानी 5 दिन में, 5 दिन में कितना रुपया कमाया? 800 × 15 × 5 रुपया कमाया। तो 1 दिन में कितना कमाएगा? तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, जैसे समझिए कि 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष का कितना हो गया? 5 वर्ष बॉय किया, तो बॉय का कितना हो गया? 800 × 15 × 5, 5 वर्ष किया, कौन किया? बॉयज कर लिया, ठीक है। बॉय 500 इतना वर्क किया, 5 वर्ष किया, इतना रुपया मिला। लेकिन बॉय कितना दिन काम करता है? तो बॉय भी 5 दिन काम करता है, यानी 5 दिन का इतना रुपया हुआ। क्या हुआ? 5 दिन, 5 दिन काम किया, बॉय कितना रुपया कमाया? तो बॉय क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बॉय 1 दिन में कितना रुपया कमाता है, तो क्या करेंगे हम लोग? 1 दिन में क्या, 1 दिन में कितना कमाता है? तो 800 × 15 × 5 डिवाइड बाय 5 करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5 × 5 किए और डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा? तो 800 × 15 को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 5 × 15, 5 का 5 1, मतलब 5 × 30 और कितना जाएगा? तो 5 का 5 1, मतलब 5 × 30 0। यानी कितना हो जाएगा हमारा? सी होल नहीं, 3×5 15, 3×9 15, यानी 53 होल 1/3 डेज आंसर होगा। कितना होगा फ्रेंड? तो 53 होल 1/3 डेज आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक और इक्वल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? मैन और बॉय का तो इफिशिएंसी दिया हुआ है, मैन दुगना काम करता है बॉय से, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और 800 रुपये कमाते हैं। यानी मैन एक दिन 2 काम कर रहा है, तो 5 दिन कितना काम करेगा? 10 काम। बॉय है तो एक दिन 1 काम करता है, 5 दिन में 5 काम करेगा। यानी 15 वर्ष का दाम 800 रुपया है, 1 वर्ष कितना होगा? 800 × 15। तो बॉय का निकालना है, बॉय 5 वर्ष कर रहा है, तो 5 वर्ष में 800 × 15 × 5 वर्ष हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि बॉय है 5 दिन काम किया, यानी 5 दिन में कितना रुपया हुआ, एक दिन कितना रुपया हुआ? डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया? 53 होल 1/3 डेज आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 6 मैन और 5 वुमेन अर्न रुपीज 14,820 रुपया इन 2 डेज। यानी 2 दिन में 6 आदमी और 5 वुमेन अर्न करते हैं 14,820
20 रुपया इन दो दिन में। हाउ मच विल 4 women and 6 men अर्न इन वन डे? तो पूछ रहे हैं कि 4 women और 6 men दोनों मिलकर एक दिन में कितना रुपया कमा पाएंगे। तो आइए फ्रेंड टीचर दोस्तों कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 6 आदमी 6 men है जो दो दिन काम करते हैं, 6 men है दो दिन काम करते हैं, कितना रुपया कमाते हैं? तो 14,820 रुपया। तो 6 आदमी है जो एक दिन में कितना रुपया कमाएंगे? तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2×14 = 12, यानी 7,600, 7,460 रुपया। 2×14 = 7,010 रुपया। कितना कमाएंगे? 7,010 रुपया कमाएंगे 6 आदमी। तो 6 men को हम लोग ऐसे ही रखने दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 4 women और 6 men कितना रुपया एक दिन में कमा पाते हैं, वन डे अर्निंग एक में कितना रुपया कमा पाते हैं, वन डे अर्निंग। तो 6 आदमी का हम निकाल दिए, 6 आदमी कितना का कमाते हैं? तो 7,410 रुपया, 7,410 रुपया 6 आदमी का हम लोग निकाल दिए, इतना रुपया कमाते हैं एक दिन में। अब फिर दे रहा है 5 women है जो दो दिन में कितना रुपया कमाते हैं? तो 5 women है दो दिन में कितना कमाते हैं? तो 14,820 रुपया। तो 5 women एक दिन में कितना रुपया कमाएंगे? तो 5 women एक दिन में कितना? 7,410 रुपया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, वोमेन की संख्या कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, यहाँ 5 women कमाते हैं, यानी एक women का निकालना पड़ेगा। एक women कितना रुपया कमाते हैं एक दिन में? तो 1 women कितना रुपया कमाएंगे एक दिन में? तो 5 डिवाइड कर देते हैं, तो 5 डिवाइड करेंगे, 5×20 = 540, 5×10 यानी 1,882 रुपया, कितना? 1,482 रुपया कमाएंगे एक women। तो अब क्वेश्चन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो किसका निकालना है हमें? 4 women का निकालना है और 6 men का निकालना है, वन डे अर्निंग। तो हम लोग 6 men का पहले निकाल चुके, कितना है? 7,410 रुपया। तो कितना यहाँ पे है? 7,410 रुपया। अब हमें किसका निकालना है? तो हमें 4 women का निकालना है। तो हम लोग यहाँ क्या निकालना है, एक women है जो एक कितना रुपया कमाती है, 1,482 रुपया। तो 4 women कितना कमाएगी एक दिन में? तो 400 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आइए 400 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4×8, 8×32, 2×3, 4×16, 16×19, 9, 1 और 5। तो कितना हो गया हमारा? 5,928 रुपया। तो दोनों क्या कर देना, प्लस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्लस करते हैं, 8 हो गया, 2×1 3 हो गया, 9×4 13 हो गया, और 1×7 12 13 हो गया, यानी 13,338 रुपया। कितना आया फ्रेंड? तो 13,338 रुपया हमारा आंसर हो गया। हम लोग क्या किए, हमारा आंसर कितना हो गया? 13,380 रुपया। कितना हो गया? 13,380 रुपया। कितना हो गया हमारा आंसर? 13,338 रुपया। कैसे हम लोग निकाले, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले 6 आदमी का दिया हुआ है, 6 आदमी और 5 women का दिया हुआ कि दो दिन में वे लोग 14,820 रुपया कमाते हैं। हमने क्या निकाला, 6 आदमी है दो दिन में 14,820 रुपया कमाते हैं। तो 6 आदमी एक दिन में कितना कमाएंगे? तो 2 से डिवाइड कर दिए, 7,410 रुपया कमाएंगे 6 आदमी। 6 आदमी हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 6 आदमी का निकालना भी था, तो हम लोग को यहाँ पे एक आदमी का निकाले, तो जब 6 आदमी का निकालना था 10 से 10 लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 women है दो दिन में 14,820 रुपया कमाती है, तो 5 women एक दिन कितना कमाएगी? 7,410 रुपया कमाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकालना है 4 women का, यहाँ 5 women का दिया हुआ है एक दिन में 7,410 रुपया कमाती है, तो 1 women एक दिन में कितना रुपया कमाएगी? तो 14,082 रुपया। हम लोग अब क्वेश्चन के मुताबिक तो दिया हुआ 4 women और 6 women एक वन डे में कितना अर्निंग करती है निकालना था, तो 6 women का है दिया हुआ, निकाल चुके हैं 7,410। तो 4 women का निकाल दिए, यहाँ पर लोग 1 women 1,482 रुपया कमाती है एक दिन में, तो 4 women एक दिन में कितना कमाएगी? तो 400 मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना आया? 13,338 रुपया हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस पैटर्न पे अब दिया हुआ है। तो ये तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए है जो किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है एंड बी इन 9 डेज, बी उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो पूछा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स ए है जो कितना दिन काम करते हैं, तो 6 दिन में काम पूरा करते हैं और बी 9 दिन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो एलसीएम लेते हैं टाइम का, तो 18 आ गया, टोटल वर्क कितना 18 हो जाएगा। उसके बाद इफिशिएंसी लोग निकालते हैं कार्य क्षमता, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो ए का कितना 3 हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 6, यानी ए है जो हर दिन 3 काम कर रहा है और बी है जो 18 डिवाइडेड बाय 9 हर दिन 2 काम कर रहा है। ये हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। ए प्लस बी मिलकर कितना काम है हमारा, 18 वर्क है, तो 18 वर्क है, दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं मिलकर, तो 3 प्लस 2 यानी 5 दोनों डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 × 15 = 5 = 36, यानी 3.6 डेज में दोनों मिलकर काम को इसी काम को 3.6 डेज में काम को समाप्त करेंगे। कितना हो गया हमारा आंसर, तो 3.6 डेज हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपका सेशन आपको अच्छा और पसंद पड़ा हो। तो फ्रेंड्स अगर यदि हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के इतना ही, धन्यवाद।